हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैं न्यूजीलैंड में कैसे आया, क्या प्रोसेस मैंने फॉलो की। आपको सब टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कैसे जॉब्स अप्लाई करना है न्यूजीलैंड के लिए। आपको मैं पूरा इन डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। और आपको कुछ हेल्प चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मैं ना कोई एजेंट हूँ, ना मैं कोई एजेंट के साथ काम कर रहा हूँ, ना कुछ। मैं सिर्फ आपका एक दोस्त हूँ, मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर मैं न्यूजीलैंड आ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? मेरा न्यूजीलैंड आने के लिए यहाँ पे मेरा कोई पहचान का नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था, कोई एम्प्लॉयर पहचान का नहीं था, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। मैंने खुद जाकर सब इन्फॉर्मेशन निकाली। सबसे पहले मैंने कंट्री सिलेक्ट की। मैंने न्यूजीलैंड क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो रूम का मेरा व्यू, ये मेरे रूम का व्यू है। यहाँ पे अभी धूप है। इंडिया से 7 आवर्स 30 मिनट्स, 7.5 घंटे आगे है इंडिया से। तो मैंने न्यूजीलैंड सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ का लैंग्वेज है इंग्लिश, और आपको यहाँ आने के लिए आईएएस एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। और इवन आपको कोई बैंक में आपको फंड्स या पैसा कोई बैंक में दिखाना नहीं है यहाँ आने के लिए। मैं आया हूँ एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। ये वीज़ा होता है कि एम्प्लॉयर आपको ये वीज़ा का स्पॉन्सरशिप देता है, तो स्पॉन्सरशिप देकर आप यहाँ पे आ सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा पे 2 ईयर्स के लिए आया हूँ। ऑलमोस्ट मेरा 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं पीआर के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा नेक्स्ट ईयर, और फिर मैं पीआर अप्लाई करूँगा। तो मैं चलो मैं आपको सब बताता हूँ जॉब्स अप्लाई करने के टिप्स और ट्रिक्स। हम सब लोग एक ही गलती करते हैं, इसलिए हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि आपका इंटरनेशनल सीवी कैसे अपडेट करना है, आपके स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, वो सीवी में सब आना चाहिए। और वो सीवी तब भी शॉर्टलिस्ट होता है जब भी वो सीवी एकदम प्रॉपरली आप अपडेट करोगे। सीवी अपडेट करने के टिप्स और ट्रिक्स बहुत है, और वो सीवी एचआर खुद नहीं देखते, वो ऑटोमेशन प्रोसेस होती है। वो सीवी ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होता है। वो सीवी में आपके पूरे पॉइंट्स के साथ सब अपडेट चाहिए सीवी। तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपको क्या हेल्प चाहिए। मैं इंटरनेशनल सीवी फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, सब कैसे अपडेट करना है, कैसे अपलोड करना है। और दूसरी बात, आपको उसके साथ कवर लेटर भी कैसे बनाना है। कवर लेटर में आपके सब स्किल्स आएंगे, वीकनेसेस आएंगे, स्ट्रेंथ आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करते हैं, हर एक एम्प्लॉयर ये देखता है। तो ये दोनों सीवी और कवर लेटर कैसे बनाने हैं, ये सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा जॉब अप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में कैसे जॉब्स अप्लाई करने, कौन से एप्लीकेशंस यूज़ करने, क्या क्या टिप्स, क्या क्या ट्रिक्स, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि एक वीडियो में नहीं होता ये सब, ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो इसलिए आप अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखिए, और मैं अगले वीडियो में आपको सीवी कैसे बनाना है, कवर लेटर कैसे बनाना है, ये मैं आपको बताऊंगा, सब ट्रिक्स बताऊंगा। आपको और कुछ हेल्प लगेगी आगे का प्रोसेस कैसा करना है, तो आप मुझे बिंदास लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। आपका बड़ा भाई या छोटा भाई समझ लो मुझे। एक बहुत बढ़िया कंट्री है ये, यहाँ आना बहुत इजी है। आपको फंड्स नहीं दिखाने, कुछ आईएएस एग्जाम भी नहीं देना है। और इवन आप आपके फैमिली मेम्बर्स को भी लेकर आ सकते हो। मैं मेरे वाइफ को भी लेकर आया हूँ,
उसको मैंने तभी लाया, मैं पहले आया था, उसके 2 महीने के मंथ्स के बाद मेरी वाइफ आई थी। तो सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि आपको रिलेशनशिप स्ट्रांग दिखाना है, रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स दिखाने, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, जॉइंट अकाउंट, सब आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना है। आपके स्किल्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या स्किल्स इंडिया से लेकर आना है आपको, कौन से कोर्स करने हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा ड्राइविंग और बहुत सारे स्किल्स सेटअप कैसे इंडिया से करके आना है, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। मुझे आप लोगों से बहुत बातें करनी है, बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, मुझे बहुत लोगों को हेल्प करना है, मेरा हेल्पिंग नेचर है, मैं आप सबको हेल्प ज़रूर करूंगा, बट एक वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में ज़रूर हेल्प करूंगा। आप मेरे वीडियो को सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं पुणे से हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।